नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी YouTube चैनल एजिया ट्रेडर्स में। दोस्तों आइए देखते हैं कल बैंक नीति में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज बैंक नीति ने क्या किया। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक नीति आज गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर आप चेक करोगे तो आज का ओपनिंग उसका हुआ है 37,664 और उसने हाई मारा है आज 37,800 के आसपास। उसका लो है 36,828। जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट में दो नेगेटिव न्यूज़ आई है, था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में टसर चल रही है और दूसरा हमारे इंडिया में बैंकों का घोटाला भी सामने आया है, तो उसकी वजह से आज बैंक निफ्टी माइनस में ओपन हुआ है। देखते हैं कल क्या हो सकता है। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा जो मैंने लेवल आपको दिया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको लेवल दिया था कि 38,150 और 37,900 का मैंने आपको लेवल दिया था। आज गैप डाउन ओपन हुआ इसलिए किसी को चांस नहीं मिला होगा ट्रेड करने के लिए। हमारा दोनों टारगेट अचीव हो गया फ्रेंड्स डाउन के साइड में। आइए देखते हैं अब 15 मिनट में कल क्या हो सकता है। इससे पहले काम कर दो, मैं ये सारे निकाल लेता हूँ, इसको फिर से हम ड्रॉ करते हैं। कुछ दिख तो नहीं रहा। अगर कल बैंक निफ्टी आज के लो को ब्रेक करेगा, 800 को ब्रेक करेगा, 800 के नीचे जाएगा, तो उसका पहला टारगेट आएगा डाउन के साइड में 400 के आसपास आएगा। ज़्यादा हो जाएगा, इसका पहला टारगेट आएगा 590 और दूसरा टारगेट आएगा उसका नीचे डाउन के साइड में 400। और पॉसिबिलिटी है कि कल गैप अप भी ओपन हो सकता है क्योंकि 1000 पॉइंट नीचे गिरा है आज, तो हो सकता है कल पॉजिटिव ओपन होता है अगर गैप अप, तो कहां तक हो सकता है ये 37,250 तक हो सकता है या फिर 37 तक हो सकता है। अगर 37 के ऊपर निकलता है और 5-10 मिनट सस्टेन करता है तो उसका पहला टारगेट अपसाइड आएगा 37,250 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 37,400। और अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट जोन कौन सा रहेगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक। ट्रेड करने का मज़ा फ्रेंड्स कभी आता है जब वो फ्लैट ओपन होता है तभी आता है, गैप अप और गैप डाउन होता है तो हमें चांस नहीं मिलता या फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ता है, उसके बाद ब्रेक करता है तब हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर कल इसी जोन में ओपन होता है तो हमें चांस मिल सकता है, अपसाइड भी मिल सकता है और डाउन साइड भी मिल सकता है। मैं एक बार फिर से आपको लेवल का प्राइस लेवल लिख लेता हूँ यहाँ पे 37,800 और 37,000 के बीच में ओपन होता है और 36,800 ब्रेक करता है डाउन की साइड में तो उसका पहला टारगेट आएगा 36,600, दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 36,400। 5,000 पे वो थोड़ा सपोर्ट ले सकता है फ्रेंड्स, और अप साइड में अगर 37,000 क्रॉस होता है और 5-10 मिनट उसको सस्टेन करता है तब साइड में हो सकता है 37,250 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 37,400। ये लेवल हो गए हमारे कल के लिए। आइए देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में भी आप चेक कर सकते हो कि मैंने जो आपको डाउन के साइड में लेवल दिए थे 70,220, 70,150 और 70,050, तो उसने आज उसका आज ओपनिंग ही हुआ 70,076 पे, तो तीनों टारगेट ओपन होते ही वो अचीव हो गया, लेकिन किसी को चांस नहीं मिला होगा ट्रेड करने के लिए। अगर ओपन होते ही पुट लिया होता फिर भी आपको फायदा होता उस, क्योंकि उसका लो मारा है 16,800 और उसका हाई है आज का
70,100 के आस 70,100। चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। इससे पहले मैं ये पूरा लेवल निकाल लेता हूँ। ओके अगर कल निफ्टी आज के लो को ब्रेक करता है 16,800 और 16,780 के नीचे जाता है तो उसका पहला डाउन के साइड में आएगा 16,680 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 16,600। और अगर ऊपर की साइड में जा निकलता है अप साइड में, इससे पहले हम अपना कौन सा लेवल मार्क करते हैं, हर बार हम फ्लैट लेवल मार्क करते हैं, तो कल के लिए हमारा फ्लैट जोन रहेगा फ्रेंड्स ये वाला। अगर इसी जोन में ओपन होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, और गैप अप गैप डाउन होता है तो कुछ मज़ा नहीं आएगा हमें ट्रेड करने के लिए। अगर इसी जोन में ओपन होता है और डाउन के साइड में ये लेवल ब्रेक करता है 60,780 तो डाउन के साइड में पहला लेवल आएगा हमारा कौन सा आएगा, प्राइस लेवल के हिसाब से ये लेवल है हमारा, तो पहला लेवल आएगा हमारा 60,700 और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन के साइड में 60,600। और अगर ऊपर के साइड में निकलता है इस लेवल को ब्रेक करके, कौन सा लेवल रहेगा हमारा ये 60,950, अगर उसको ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड में 70,050 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका अपसाइड में 70,100। इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ फ्रेंड्स 70,950, ये पहला टारगेट 70,050 और दूसरा टारगेट आएगा हमारा 70,100। पॉसिबिलिटी है कि कल से थोड़ा प्लस भी ओपन हो सकता है, अगर गैप अप ओपन होता है और वहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनती है या फिर शूटिंग स्टार या फिर हैमर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप पुट भी बाय कर सकते हो। और अगर माइनस में ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और अगर वहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है या फिर हैमर कैंडल बनती है तो आप उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय भी कर सकते हो। दोस्तों मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से ही बनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।